प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विवेक कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों तो आज का मेरा टॉपिक है यानी कि मौसा यानी कि एससीएफ कैसे निकालें। तो एससीएफ निकालने के लिए हम आपको यह जो विधि बताएंगे वह कौन सा विधि होगा यानी कि भाग विधि बताएंगे, ठीक है। एससीएफ निकालने के लिए आपको जो हम बताएंगे यह भाग विधि होगा, और भाग विधि में हम एससीएफ कैसे निकालते हैं इसका सबसे आसान तरीका कौन सा है वह आपको हम बताएंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि एससीएफ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, दो अंक, कोई भी दो अंक आपको एससीएफ निकालने के लिए यानी बोला जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जो 80 और 42 का एलसीएम एससीएफ निकालने के लिए बोला जाता है, जो सबसे बड़ा वाला है यानी कि यह दोनों में जो बड़ा वाला रहेगा उसको आप यानी कि भाज्य के जगह पे रख दीजिएगा, ठीक है। भाज्य के जगह पे रख दीजिएगा, भाज्य का मतलब उसमें आप भाग देने का कोशिश कीजिएगा, कौन से यानी छोटा वाले अंक से। छोटा वाले अंक से हम इसमें भाग देने का कोशिश करेंगे, क्या होगा, 42 का पहाड़ा यानी कि जेना भाग करते हैं उसी प्रकार से हम इसमें भी करेंगे, यानी कि 42 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 80 से कम आएगा। यदि यानी कि गुना करके हम यहाँ पे देख लेते हैं, 42 का पहाड़ा दो बार भी हम पढ़ लेते हैं तो क्या हो जाता है, दो दुना चार हो जाता है, और चार दुना आठ हो जाता है यानी कि 80 से ज्यादा हो जाता है, 84 हो गया। इसीलिए 42 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 42। और आपको जरूर पता होगा कि भाग विधि में, भाग में क्या करना होता है, ऊपर वाले से हम नीचे को घटा देते हैं, ठीक है। तो जब भी हम 80 को 42 में घटाएंगे, 80 में से 42 घटाएंगे तो क्या होगा, यानी कि 0, 0 में से 2 तो नहीं घटेगा, इसीलिए यह एक हासिल लेगा तो यह कितना बन जाएगा, 10। 10 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, यानी कि 8 बच जाएगा। और फिर इसमें से जब एक हासिल इसमें चला गया तो यह क्या बच गया, 7। 7 में से 4 हासिल गया तो कितना हो गया, यानी कि 3। अब क्या हो गया, यानी कि इससे यह छोटा अंक पड़ गया, इसीलिए अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जिससे हम भाग देते थे उस वाले अंक को यहाँ पर हम भाज्य की जगह पे उतारेंगे, ठीक है। इस वाले अंक को हम क्या करेंगे, यानी कि भाज्य के जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इस वाले अंक को फिर भाज्य के जगह पे, अब इस अंक से इसमें अब हम भाग देंगे, ठीक है। अब इस अंक से इसमें हम फिर से हम भाग देंगे तो क्या होगा, 38 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 38। यदि आपको हम बता देते हैं यानी कि दो बार भी हम पढ़ लेते हैं तो कितना हो जाता है, 8 × 2 = 16, और 3 × 2 = 6, 1 × 7 यानी कि ज्यादा हो गया, 76 हो गया, जो कि 42 से काफी अधिक होता है। हमको कभी भी भाग बनाने के लिए जो हमको जरूरत पड़ता है इससे कम होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए 38 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 38 होगा। अब क्या होगा, 12 यानी कि 2 में से 8 तो नहीं घटेगा, इसीलिए एक हासिल लेंगे तो कितना होगा, यानी कि 12। 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा, यानी कि 4। और इसमें से एक हासिल ले लिए तो यह 3 रह गया, तो 3 में से 3 घटेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर अब क्या करना है, जिस अंक से इसमें भाग दिए हैं उस अंक को फिर यहाँ पर क्या करना है, उसी में भाग देने के लिए इसके शेषफल को ला देना है, ठीक है। उसी में भाग देने के लिए इसके शेषफल को ला देना है, तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 38 से कम आएगा। यह तो 4 का पहाड़ा है, आप तो साधारण है यानी कि 20 तक पहाड़ा ऐसे सभी को याद रहता है, इसीलिए 4 का पहाड़ा आप पढ़ करके देखिएगा तो कितना होगा, 4 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 4 × 9 = 36, और 4 × 10 = 40। तो यानी कि 40 तो 38 से ज्यादा हो गया, इसीलिए 38 से ठीक कम वाले यानी कि कितना हो जाता है, 4 × 36। तो यहाँ पे 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 36। तो इसका यानी कि अब कितना होगा, 38 में से 36 घटाएंगे तो कैसे होगा, यानी कैसे घटाते हैं, 8 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 2, और 3 में से 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और फिर इसको कैसे निकालेंगे, फिर यहाँ पर जिससे भाग दिए थे उस अंक को यहाँ पर फिर से उतारेंगे। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ गया, पूरा का पूरा 4 आ गया, और यह अंतिम में कट गया। और यह मौसम में हमको एक बात का जरूर खास ख्याल रखना होता है कि जब तक नहीं कटे, जब तक नहीं कटे तब तक इसको यानी कि छोड़ना नहीं है, तब तक इसको यानी कि एकदम भाग लगाते जाना है। किसमें, जिससे हम भाग लगाएंगे, जिसका शेषफल आएगा उसी में इसको हम भाग लगाते चले जाएंगे। और अब अंत में हम इसको हम सोचेंगे कि इसका आंसर कौन होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो इसके बारे में हम सोचेंगे यानी कि मस यानी कि एससीएफ कौन सा होगा। तो जिस अंक से भाग लग करके जो कट गया रहता है वही इसका एससीएफ होता है, तो यानी कि इसका एससीएफ क्या हो जाएगा, ये वाला 2 यानी कि जिससे भाग लग कर कट गया है वही इसका आंसर होगा, यानी कि इसी प्रकार इसका आंसर 2 हो गया। अब आपको हम एग्जांपल के लिए हम देते हैं, एक आपको बना करके आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर सूचित कीजिएगा कि कैसा आपको समझ में आया या नहीं आया। आपका फीडबैक हमारे लिए बेहद जरूरी होता है, ठीक है, आपका फीडबैक जो होता है वह हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। तो आप देखिए यानी कि जैसे हम दे देते हैं यहाँ पे 72 और
72 और 15 का मस ज्ञात करें। ठीक है, मस मस को ही हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। 72 और 15 का HCF ज्ञात करें। ठीक है, इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर प्रस्तुत कीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि आपको कितना प्रतिशत अच्छे से समझ में आया।